हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल श्रवण राजपूत। यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आज हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले न्यू मॉडल, जो अभी IQ 7 करके नया मॉडल आया है, उसका हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। जिसका बॉक्स पैकिंग देख सकते हो कितना अच्छा से यूज़ किया हुआ है। कुछ अलग यूनिक में एक आपको पैकिंग मिल जाता है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करके वीडियो बताते हैं आपको। ये सिम निकालने के लिए सिम टूल है और ये IQ का आपको गाइड मिल जाता है। इसमें आपको जो भी मैन्युअली कंपनी का फीचर वगैरह रहेगा तो रीड कर सकते हो बुकलेट में। ये फोन है, इधर IQ का लोगो दिया हुआ है। चलिए पहले एसेसरी की बात करते हैं, बाद में फ़ोन का डिटेल में बताता हूँ। ये USB कोड है, C2C है, सी टाइप का है। ये इसका फास्ट चार्जर दिया हुआ है, 66 वॉट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है। ये देख लो, इधर मेंशन भी कंपनी ने किया हुआ, 66 वॉट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है। ये एक्चुअली इसको बनाने वाली मैन्युफैक्चर कंपनी वीवो ही है, IQ नाम से है, लेकिन कंपनी ओप्पो वीवो का उनका ही ब्रांड है, जो वीवो मैन्युफैक्चर इसको करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ़ोन को। इसमें क्या फीचर है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। इसका मॉडल है IQ 07 करके है, जो 5G वर्जन में आता है। 8GB रैम आता है, 128GB स्टोरेज में आएगा ये। और मैन इसकी अगर बात करें स्टोरेज की, तो 128 है। इसमें स्टोरेज का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है। डायरेक्ट OTG पेन ड्राइव वगैरह आप लगा सकते हो। और इसमें फ्रॉम एक ही कलर आता है, ये जो ब्लैक कलर है इसमें वही ब्लैक कलर ही आता है, इसमें दूसरा कलर कोई वेरिएंट नहीं आता है। कलर ऑप्शन एक ही रहता है, ब्लैक कलर। एंड्रॉयड की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 मिल जाता है और फन टच भी आपको 11 ही मिल जाता है एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड में 11 भी और उनका जो वीवो का फन टच है वही इसमें आपको यूज़ किया हुआ रहता है, वीवो का 11 फन टच है। मॉडल की बात करें 2021 का न्यू मॉडल रहेगा इसमें। और कैमरे की बात करें तो कैमरा भी इसमें आपको DSLR यूज़ किया हुआ रहेगा। फाइव जी प्रोसेसर है इसमें, आपको स्नैपड्रैगन का जो दिया हुआ 870 का 5G प्रोसेसर है, 65 वॉट का फास्ट चार्जर है। टच सेंसर देखेंगे तो 120Hz का इसका जो टच सेंसर दिया हुआ है, 120Hz का दिया हुआ है इसका ये सेंसर है। इसमें आपको 60+90 आपके हिसाब से आपको कंज्यूमर कर सकते हैं। अगर जितना 90 रखेंगे तो बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, जैसे 128 रखते तो बैटरी थोड़ा ज़्यादा खाता है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है। और बैक का कैमरा आपको बात करेंगे तो 48 का लेंस दिया हुआ है। कैमरा क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है।